हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट हार्डकोर। और पिछला वीडियो हमारा काफ़ी सही रहा, हमने जो है टूल्स अपने सारे ले लिए, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो हमारे सारे टूल्स और सारे आर्मर अब डायमंड्स के हो चुके हैं। अगर आपने पिछला दो एपिसोड नहीं देखा तो वो आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, वहाँ जाकर देख सकते हो। आई बटन पर भी शो हो रहा है, वहाँ जाकर भी देख सकते हो, बस जाकर देखो। बहुत ही आसान तरीका, अगर आप माइनक्राफ्ट स्टार्ट कर रहे हैं हार्डकोर शुरू में बिना रिस्क लिए, आप इस तरह से जो है बहुत ही आसानी से डायमंड टूल्स और आर्मर ले सकते हो बहुत ही आसानी से। सो आज हमारा टारगेट होने वाला वीडियो का, बेसिकली आज हम चार चीजें कवर करने वाले हैं अपने विलेज में। सबसे पहले तो हमें फूड की कमी है तो हम फार्म बनाने वाले हैं। दूसरा हमें इंचेंट करना है, जो कि पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि इंचेंट भी करना है। तीसरा टॉपिक है हमारा लाइब्रेरी बनाने के बाद करते क्या, हम अपने टूल्स और आर्मर को परफेक्ट इंचेंटमेंट देने की कोशिश करेंगे। जो मिल सकता है वो तो लेंगे ही, बाकी बुक्स से लेंगे, लाइब्रेरियन से भी लेंगे। और लास्टली हमें एक बाउंड्री टाइप से बना लेनी है अपने विलेज की, ताकि हम अपने विलेज के चारों तरफ वॉल बना सके और रेड वेड जब हो तो उसे आसानी से जीत सके, कोई दिक्कत विक्कत ना हो। एक्चुअली फूड की काफ़ी ज़्यादा कमी है हमारे पास, तो आज सबसे पहला काम हमारा है फार्म बनाने का। सो फार्म तो इजी से हम बना लेंगे, वीट फार्म, लेकिन उसको उगने में देर लगेगी। बोन मील है नहीं हमारे पास, वो सारी चीज़ें करेंगे हम अभी। तो सबसे पहले एरिया डिसाइड करते हैं फार्म वार्म बनाने का। बाकी ट्रीज तो बहुत सारे हो गए हमारे पास, बस इसको काट के ट्रेड कर लेना है और एक्सपी गेन करेंगे तभी तो हमारा हो पाएगा इंचेंटमेंट, बहुत जल्दी हो पाएगा, क्योंकि अभी हमारी भी एक्सपी देख सकते हो मात्र 16 है। वैसे तो मेरी एक्सपी होती बहुत ज़्यादा, लेकिन बाकी जितने भी एक्सपी बची थी मेरे पास वो थोड़ी कंबाइन करने में चली गई एनमिल में। मैं जो ये शबल कंबाइन करी, फिर ये एक्स कंबाइन करी, इन सब में चली गई। वैसे हो ही हमारे पास है, तो आई गेस टूल्स तो हमारे पास काफ़ी अच्छे हैं देख सकते हो। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपना फार्म बनाने। तो फार्म तो हमारे यहाँ ये दो फार्मर्स का फार्म है, बट मेरे को एक बड़ा सा फार्म चाहिए जिसमें वीट बहुत ज़्यादा उगे और जिससे मैं विलेजर्स का वो भी बढ़ा सकूँ थोड़ा सा। तो आई गेस फार्म एरिया के लिए ये सही रहेगा, ये एरिया। इसके लिए हमें थोड़ी सी डर्ट चाहिए, क्योंकि हमें थोड़ा सपाट एरिया चाहिए, तो मैं फार्म इस एरिया में बनाने वाला हूँ। लेट्स गो, चलो थोड़ा डर्ट कलेक्ट करें पहले। तो वैसे हमारी शवल काफ़ी खतरनाक है, बहुत जल्दी काम हो जाएगा, लेट्स गो। वैसे वीट सीड तो है हमारे पास, अभी तक हमारे पास कोई भी स्टोरेज रूम इस तरह की चीज़ें नहीं है जिस पर हम अपने सारे सामान रख सके। अभी तो हमारे सारा सामान वहीं बाहर में ही रखा हुआ है विलेज के। तो लेट्स गो, देखो भाई कितना जल्दी काम होगा भाई इससे, देख सकते हो तुम कितना जल्दी, इतना जल्दी काम होगा क्या ही बताऊं। लेट्स गो भाई, अरे तवाई मचा दी भाई। ओ भाई क्या है, ग्रेवल भी ले लो, ट्रेड कर लेंगे। One hour later. भाई शवल की हालत तो तुम देखो, कितनी जल्दी हमने तोड़ा, प्लस इसकी एचपी भी बहुत जल्दी चली गई, क्योंकि अभी इसमें मेंडिंग नहीं है। तो लेट्स गो, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाने वाले हैं ताकि डर्ट कम लगे और एरिया भी जल्दी बढ़ा जाए। सो मैं यहाँ पर टॉर्चेस स्पैम कर रहा हूँ ताकि अंदर कोई ज़ॉम्बी स्पॉन ना हो, बिकॉज अभी हम इस एरिया को भरने वाले हैं, उसको तो अलग से भरा जाएगा। तो लेट्स गो, इसको हम भरते हैं। तो जब तक मैं इसको भरता हूँ तब तक आप ये काम करो कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो देखने में आपको अच्छी लग रही है जरूर से वीडियो को लाइक करना और कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और लाइक तो कर ही देना। ऑल राइट। सो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने पूरा भर लिया है, और इस तरफ से आप देखोगे तो ये इस तरह से दिख रहा है अंदर। मैंने टॉर्चेस थोड़ी सी लगाई हैं और थोड़ी लगा देता हूँ ताकि जॉम्बी वॉम्बी स्पॉन ना हो अंदर। अभी हमें इसको पूरा यहाँ तक लाना है, सो ये वाला गड्ढा तो पूरा भरना ही है, बाकी ऊपर से भी काफी चीजें करनी है, एक तरह से सपाट एरिया इसको बनाना है। सो वो काम आज हम करने वाले हैं। ऑल राइट एवरीबडी। सो हमने यहाँ पर पूरा एरिया यहाँ पर भर लिया है, और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी भाई इसको भरने में, मतलब अभी भी काफ़ी दूर तक भरना बाकी है, बट जितना भी भरा है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है। तो अब हमारा फार्म जो है इस एरिया में बनने वाला है यहाँ। तो एक्चुअली मैं अभी एक ही फार्म बनाने वाला, जो कि है वीट फार्म। पहला फार्म हम अपना यहाँ बनाने वाले, एक राउंड सा फार्म बनेगा, डिज़ाइन काफ़ी अच्छा होगा। उसके लिए हमें ये कॉबल स्टोन सारी हमने यहीं पर से हटाई है, यहाँ पर थोड़े स्टोन हो गए थे। आओ तो हम यहाँ पर से बनाना शुरू
शुरू करते हैं। एक हमारा गोलम ना इस गड्ढे में फंस गया था, निकला अभी तक नहीं निकला, ट्रेडर भी नहीं आ रहा। मेरे को स्प्रूस की सैपलिंग्स चाहिए थी, ट्रेडर अगर आ जाता तो बस उसी पेड़ की कमी है हमें। सो सबसे पहले तो मेरे को ये रखना पड़ेगा। स्टोन पे बनाने के लिए तो फर्नेस का ही इस्तेमाल करना पड़ता है, मतलब स्मूथ स्टोन बनाने के लिए। A few inches later. All right, so हम शुरू करते हैं। यहाँ से बन सकता है ना, एक 1 2 3 4 ये हमारा एंट्री होगा। लेट्स गो 1 2 लेट्स गो। परफेक्ट सर्कल बना है हमारा, तो इसको अब हम डेकोरेट कर देते हैं थोड़ा सा। अबे तुम फिर आ गए। सैपलिंग स्प्रूस की, यस डूड स्प्रूस की सैपलिंग्स लाया है ये। लेट्स गो, हमारा काम हो गया भाई स्प्रूस की सैपलिंग्स। अब हमें जंगल ट्री में इतना उलझना नहीं पड़ेगा। मैं फटाक से आया एमरेल्ड लेकर इसके लिए स्प्रूस की सैपलिंग्स लेने। अब भाई तुम पहले तो यहाँ से निकलो, ये दे दो तुम पहले। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, चल पाको। नेक्स्ट सुबह हमारा क्रॉप लगेगा और डन। ऑल राइट लाइट भी हमने सही से लगा रखी है, और भी लगेंगी बट अभी हमारे पास मटेरियल की कमी है तो वो अगले बार हम लगा लेंगे। Much later. So, ये हमारा फार्म कंप्लीट। फील्ड ऑफ व्यू बनाने दो पहले तो। ऑल राइट, देख सकते हो ये हमारा फार्म रेडी हो चुका है। लेट्स गो, ये हमारा पहला था। इसी तरह के हम और फार्म बनाने वाले हैं आगे। चलो नेक्स्ट, अभी हमें दो चैलेंजेस और करने हैं, जिसमें कि अभी हमें बनानी है लाइब्रेरी और लाइब्रेरियन। अपना लाइब्रेरी बनाना है और लाइब्रेरियन को भी बनाना है, जिससे हम ट्रेड ले सकेंगे। एक्सपी लेनी है बहुत सारी, उसके बाद अपने टूल्स को एन्चेंट करना है। Eventually. वेलकम बैक अगेन। अरे भैंस की, ये लोग कौन आ गए? रुको, अपग्रेड करेंगे हम अपने विलेज में। It was at this moment that he knew he fucked up. अबे यार, विलेजर को मार दिया। शिट, इसकी तो पहले तो मैं इसको मारूंगा, उसके बाद रेड ट्रिगर हो गई है। कोई बात नहीं यार, गलती से विलेजर मर गया हमारा एक। अरे मारो भाई, रन। अरे गोलम, नहीं, मर जाऊंगा मैं। है अरे, विलेजर को गलती से मार दिया था यार। और गोलम पीछे पड़ गया। पहले तो दूर जाना पड़ेगा, इतना आते ही इतनी इंटेंस सिचुएशन। हेल्थ रिगेन करो, बालाओ कि मैंने प्रोटेक्शन 3 वाली पहन रखी है। ओ भाई, अब रुको ना, तुम्हारी ऐसी की तैसी, गोलम को भी मारना पड़ेगा। वो देख, गोलम भी दौरा दौरा आ रहा है भैंस की। भाग भाग, पहले गोलम से पीछा छुड़ा। और अभी तो मर ही गया था, हमारी जर्नी खत्म थी गाइस। हट जा। अरे तुमको भी मारेंगे। अरे भैंस की, गोलम ने उसको उड़ा दिया। दूर। लेट्स गो, चलो। एक गोलम भाई, एक विलेजर मर गया यार, मेरे से गलत भाई। पहले तो विलेज में चलो, क्योंकि अब रेडर आने वाले भाई। रेडर आ गए। मेरे को एक टावर सा बना लेना है। सभी भागो भाई, अंदर भागो, रेड हो रही है, भागो। अबे यार नहीं, बाय बाय माइनक्राफ्ट हार्डकोर। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे।